हो जाए वही सीधे मुनि अंदर से वो आवाज नेचुरली निकल रही है हाय थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर जैसे आई जस्ट मेक इट शॉर्ट एंड क्विक अगली फिल्म आ रही है तू झूठी में मकार 8 मार्च को होली के दिन बहुत ही मजेदार फिल्म है एंटरटेनिंग है रोम कॉम है मैंने कल रात ही देखी इन परसों रात देखी एंड कमाल की पिक्चर है सो प्लीज गो एंड सी एंड यू गाइस विल हैव अ ग्रेट टाइम एट द सिनेमास Well, I think हम सभी ने ट्रेलर यहाँ पर अभी तक 4-5 बार देख लिया है एंड एक ही क्वेश्चन है सभी की ज़बान पे कि भाई मक्कार आपको इतना ज़्यादा मक्कार क्यों बोला जा रहा है You know, when I, जब मुझे भी पहली बार लव रंजन द डायरेक्टर टोल्ड मी कि मैं ये फिल्म का टाइटल तू झूठी में मक्कार रखने वाला हूँ मैं भी डर गया था ऐसा कि ये क्या टाइटल है यार तू झूठी में मक्कार बट आई थिंक जिस तरीके की फिल्म वो बनाता है जिस जॉनर की फिल्म वो बनाता है उसको ये टेढ़े टाइटल्स पसंद है इट काइंड ऑफ गेट्स यू टू द वर्ल्ड एंड स्पेस एंड जॉनर ऑफ द फिल्म तो लेकिन जब आप फिल्म देखोगे तो आपको भी लगेगा कि ये एक्चुअली टाइटल फिट्स द फिल्म यानी मक्कारी हम सब में होती है आप में भी है मुझ में भी है हम यूज़ करते हैं बट पॉजिटिव तरीके से नेगेटिव तरीके से मक्कारी मत यूज़ करना और हमें हम झूठ भी बोलते हैं कभी कभी व्हाइट लाइज बोलते हैं सो इट्स आई थिंक इट्स अ फिटिंग टाइटल टू द फिल्म Alright, now I'll leave it to the press. You can please take your seat and over to the media now. What is the message you want to give the society? Society? Yeah, I mean youngster. I think मैं शुरू से अपने फिल्मों के जरिए I try and pick the films which inspire the youth, which give them some message. I think it is every actor's duty and every actor's duty to kind of represent. The correct culture of your country, characters, and always give something which is inspiring, motivational, and aspiring at the same time. यार वो बंदा कमाल का है आप भी जानते हो पिछले 2-3 सालों में उसकी राइज क्या हुई है एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन एंड उसके जरिए मुझे पता लगा कि द आर्ट ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी यू नो हम इट्स अ वेरी वेरी टफ Tough act, you know, जिस तरीके से वो लिखता है जिस तरीके से वो सोचता है और प्रस्तुत करता है it's very, very engaging, it's amazing. मुझे याद है जब मैं पहली बार बसी से मिला था वो मेरे घर आया था लव के साथ और पूरे एटीट्यूड के इसके साथ आया था यू नो जैसे जिस तरीके का वो जाट है वो ऐसे आया मेरे को ऐसे देख रहा है अच्छा तू एक्टर है ये सब लगता है बट आई थिंक हमारी दोस्ती बहुत जल्दी हो गई थी कमाल का इंसान है वो एंड हम जब उसे पता चला कि मैं बाप बन रहा हूँ जितनी शॉपिंग उसने मेरी बेटी के लिए की है मेरी मम्मी ने भी इतनी शॉपिंग नहीं की है तो इज गॉट अ हार्ट ऑफ गोल्ड एंड मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि यू नो मुझे उसके साथ काम करने का मौका मिला इस ओ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो वन लाइन एंड वन ट्रूथ एंड आई एम नॉट गोना टेल यू व्हाट्स द लाइन एंड ट्रूथ ओके इस फिल्म में कोई मर जाता है एंड इस फिल्म में श्रद्धा ने कमाल का काम किया है We all know which is truth and which is false. अभी फिल्म देखने के बाद डिसाइड करेंगे। Hi Ravi, Rajesh, Harish, Arish, Rajesh, 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 Rajesh जी। सर मैं मक्का जानना चाहेंगे कि आपने कितना इसमें मकारी करी है और किस तरीके की मकारी करी है थोड़ा फिल्म में वो थोड़ा जानना चाहेंगे राजेश जी क्या है ना कि एक्टर्स ना क्या होता है कि कभी कभी जब ऑडियंस एक्टर्स की फिल्में देखते हैं या कैरेक्टर्स देखते हैं वो सारा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि शायद ये रणबीर मकारी होगा रियल लाइफ में जब मुझे याद है मैंने बचना है सीनों किया था तो लोग समझने लगे ये ऐसे ही है क्या सुनोवा टाइप इंसान है तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है लेकिन जो मकारी मैंने फिल्म में की है वो बहुत कॉमेडी की है लेकिन ये लव रंजन की राइटिंग में थी असल जिंदगी में हम सब मकारी करते हैं कहीं ना कहीं मकार का मतलब क्या होता है इंटेलिजेंट कनिंग यू नो जो अगर कोई समस्या में अटक गया है तो कैसे वो अपने आप को निकालेगा वही मकारी होती है तो मकारी तो हम सब करते रहते हैं इस फिल्म में बहुत इंटेलिजेंट मकारी है और ये जो कैरेक्टर है जो किरदार है इस फिल्म में मैं मिकी का किरदार प्ले कर रहा हूँ ये ट्रू लव एंड ऑल आउट लव में विश्वास करता है रिलेशनशिप डायनामिक्स जो होते हैं लोगों के बीच में फैमिली के बीच में बहुत अच्छी तरह समझता है लेकिन जब उससे सच्चा प्यार होता है तो एक टेढ़ी लड़की से सच्चा प्यार होता है तो उसकी कैसी लग जाती है और फिर उसके अंदर का मक्कार कैसे निकलता है ये फिल्म की एक थोड़ी सी प्लॉट लाइन है मैं एक्चुअली श्रद्धा को बचपन से जानता हूँ हमारे फैमिलीज इतने क्लोज थे इतना काम किया है साथ में आई थिंक श्रद्धा और मैं क्योंकि हम दोनों एक फिल्म परिवार में पैदा हुए हैं हम बचपन से ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम बड़े होके एक्टर बनेंगे यू नो जब हम थिएटर में फिल्में देखते थे या VHS में देखते थे द वे वी यूज्ड टू डांस टू आवर फेवरेट एक्टर्स सॉन्ग्स कैसे हम डायलॉग्स बोलते थे
एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे फाइनली उसके साथ काम करने का मौका मिला और ऐसी फिल्म में काम करने का मौका मिला, क्योंकि श्रद्धा ने श्रद्धा को ना ये जो टोन है, ये कमर्शियल सिनेमा मसाला सिनेमा का टोन, वो बहुत अच्छी तरह समझती है। वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस एक्टर है, बहुत ही खूबसूरत है स्क्रीन पर, एंड मुझे तो बहुत मजा आया उसके साथ काम करने में। शी वाज द परफेक्ट छोटी टू माय का। रणवीर जी, जी सर, आप लोग, आप और जो एक्ट्रेस है दोनों सेम होटल में हैं अभी, जी जी, तो फिर भी क्या नया अंदाज आप लोगों ने अपनाया प्रमोशन का? सर जी, ये एक्चुअली ये जो हमारे डायरेक्टर है उनका आइडिया है, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, बट उनको नया स्टाइल है, पहले कैसे हुआ आ गया? देखिए क्या होता है ना, आप अलग आ रहे हो, वो अलग आ रही है, जी जी, तो क्या है ना कि फिल्म चलती है तो लोग बोलेंगे अरे वाह क्या मार्केटिंग की है, फिल्म नहीं चलेगी बोला बता देते, इसी वजह से फिल्म नहीं चली है। बट आई थिंक मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि क्या है कि 20 दिन की जो मार्केटिंग होती है, अभी बंटवारा हो गया है तो और कम मार्केटिंग करनी पड़ेगी, वो 10 दिन वो कर लेगी, 10 दिन मैं कर लूंगा, अगर वो अहमदाबाद जा रही है तो मैं कोलकाता जा रहा हूँ, तो उस तरीके से हम कर रहे हैं। बट आई थिंक नया एक तरीका है कि अगर क्योंकि एक बहुत ही केमिस्ट्री बेस्ड पिक्चर है, एक बहुत ही जो दो लीड एक्टर्स के बीच में जो केमिस्ट्री है, तो आई थिंक वो लव वो यही सोच के ये कर रहा है कि शायद मैं स्क्रीन के लिए बचाऊं, नहीं तो तुम दोनों सब 20 दिन ऐसे घूमोगे, वही बातें करोगे, लोग पक जाएंगे देख के, तो ऐसे कोशिश कर रहे हैं। अभी श्रद्धा से एक सवाल पूछा था वही आपसे जी, कि छोटे लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं या मक्का लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं? छोटे लोग कैसे सर? क्योंकि आई थिंक जब कोई झूठ बोलता है और आपके कोई अगर नज़दीकी इंसान है, आपके परिवार में आपका स्पाउस या सिबलिंग या कोई भी, तो एक जो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट होता है, अगर वो जो बुनियाद टूट जाती है तो बहुत मुश्किल होता है वापस लाने के लिए। तो झूठ आई थिंक ज़्यादातर खतरनाक होता है। आपको क्या लगता है? क्योंकि आपके साथ साथ हम करोड़ों युवाओं की फीलिंग आपने इस गाने में बयान कर दिया। आई थिंक सिचुएशन ऐसा था, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है गाने को लेकर, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा कि मुझे प्यार होता होता कई बार है, मैं लोगों को ही बोल रहा हूँ कि जिसका दिल टूटा है, जो सोचते कि अच्छा मेरा ब्रेकअप हो गया, अब तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मैं ये बोल रहा हूँ कि टेंशन मत लेना, प्यार होता कई बार है, तो मैं लोगों को बोल रहा हूँ। बट आई थिंक लव रंजन क्योंकि बदमाश है, तो उसने मेरी कुछ इमेज लेके ये गाना बनाया, तो सोचेगा अच्छा ये थोड़ा पॉपुलर होगा, तो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। लेकिन ओटीटी में आपका शायद थोड़ा सा ध्यान कम है, ऐसा आप कई बार बोल चुके हैं, क्योंकि शाहिद कपूर भी फर्जी ने करा है, सुपर हिट कमाल की ओटीटी फिल्म थी, लेकिन रणबीर को कभी हम फ्यूचर में? बिल्कुल, आई थिंक अभी मीडियम्स इतने हो गए हैं फॉर एंटरटेनमेंट, मुझे मीडियम से कोई परहेज नहीं है, मुझे ऐसा कुछ अच्छा ऑफर आया नहीं है, बट अगर आएगा मैं ज़रूर करूँगा, बट फिलहाल मैं फिल्मों को लेकर बिजी हूँ। और मेरा हमेशा से ये मानना है कि टू बी एन एक्टर फॉर द मूवी स्क्रीन इज़ अ प्रिवलेज, यू नो, तो आई हैव दैट प्रिवलेज कि मेरी फिल्में थिएटर में रिलीज हो रही है, ऑडियंस जाके देखती हैं, तो आई डोंट वांट टू टेक दैट फॉर ग्रांटेड। आई थिंक ये ऐसा समय है फिल्म इंडस्ट्री में जो ऑडियंस अभी आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है, पिछले साल हमने ऐसी कई अच्छी फिल्में देखी है, कश्मीर फाइल्स, भूलभुलैया 2, दृश्यम 2, ब्रह्मास्त्र आई थी, अभी पठान ने भी कमाल का बिजनेस किया है, तो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ऑडियंस को थिएटर में वापस लाएँ, उनका मनोरंजन करें, अच्छी कॉन्टेंट दें उन्हें। जैसे आपने फर्जी का नाम अभी बोला, नाइट मैनेजर भी आई है, फर्जी आई है, फिर एक कैट नाम की एक नेटफ्लिक्स पे भी आई थी, तो ऐसे बहुत सारे बहुत अच्छी सीरीज बन रही है, तो आई थिंक नाउ अभी मीडियम्स चेंज हो गए, बट आई थिंक कंटेंट शुड बी ग्रेट इन एवरी मीडियम, और अगर मुझे कुछ अच्छा आएगा मैं जरूर करूँगा ऑडिटिंग। हाय रणवीर, हाय, आपके आपके पास आता हूँ, कौन हो आप? हाय, मैं ऋतु त्रिपाठी, इंडिया टीवी से। एक चीज थी, आपने जैसे दो झूठे की शूटिंग भी लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि चल रही है, उसके अलावा आप एनिमल की शूटिंग दोनों सेम टाइम पे कर दो, एक में एकदम डिफरेंट किरदार है और एनिमल में आपका लुक देख के हम लोगों को लग रहा है कि वो काइंड ऑफ थोड़ा कैसे बहुत अलग है, तो ऐसे खुद को स्विच करना अलग अलग रोल में कितना मुश्किल होता है, कैसे करते हो आप ये मैनेज? बहुत मुश्किल होता है मैम, जब मैंने दो झूठी में मकार की मैंने शूटिंग खत्म कर दी, जो एनिमल में फिल्म थी उसमें मेरे 2-3 लुक्स थे, एक यंग वाला लुक था, तो जिससे वो मेरी तू झूठी में मकार का लुक मैच कर रहा था, तो मैंने यंग शूट किया, फिर मैंने 4 महीना ब्रेक लिया, मैंने 10 केजी मैंने पुट ऑन किया, दाढ़ी उगा दी, एक अलग कैरेक्टर था,
तो आई डोंट थिंक मैं इतना टैलेंटेड हूँ कि मैं दो दो पिक्चर एक साथ कर सकता हूँ. एक ज़माना होता था जब एक्टर्स और एक्ट्रेस छः छः फिल्में साथ करते थे. मेरे खुद माँ बाप एक दिन में 3 शिफ्ट करते थे, मतलब 6 घंटा ये पिक्चर करो, अगले सेट पे जाओ, सडनली भूल जाते थे ये फिल्म में मेरा नाम क्या है, फिर इस फिल्म में काम करो, फिर दूसरे फिल्म में चले जाए. आई थिंक आज वो दौर बदल चुका है. आई थिंक क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडियंस इज़ लेस फॉरगिविंग, तो यू हैव टू मेक श्योर एज एन एक्टर कि आप उनको एक सुपर क्वालिटी फिल्म दो, कैरेक्टर दो, तभी आपको एक्सेप्टेंस मिलती है. यस मैम. हाय रणवीर. हाय. कहकशां दिसाई. मेरा सवाल है कि एक डायलॉग है मूवी में कि रिलेशनशिप में आना आसान होता है और घुसना आसान है, निकलना मुश्किल होता है. रियल लाइफ में भी कई ब्रेकअप हुए हैं आपके भी, तो कितना मुश्किल रहा होगा? आई थिंक ये सच स्टेटमेंट है, क्योंकि जब हम एक नया नया एक रिश्ता शुरू होता है तो अंदर एक एक्साइटमेंट होती है, एक एडवेंचर होता है, तो वो बहुत आसान होता है. लेकिन जब रिलेशनशिप टूटता है, कहीं ना कहीं किसी का दिल टूटता है, कभी कभी दोनों का दिल टूटता है, कभी हालात ऐसे होते हैं कि आप साथ नहीं हो सकते, तो वो ऑफकोर्स बहुत मुश्किल होता है. एंड सबका दिल कहीं ना कहीं टूटा है, आपका भी टूटा होगा. हेलो, मनुश्री जी हिंदुस्तान से. तो मैं हिंदुस्तान से. जी हिंदुस्तान जी. मैं मेरा सवाल आपसे ये है कि आप या एक फिल्म में मक्कारी पर, तो रियल लाइफ में और फिल्म में आपने मक्कारी कहाँ ज़्यादा की है? आई थिंक स्कूल में इसे सबसे ज़्यादा की है. हाँ, जब मैं बड़ा हुआ और जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैं थोड़ा सीरियस टाइप हो गया, पर स्कूल में मैंने बहुत मक्कारी की. अरे मैं अगर सेम चीज़ करता रहूँगा तो यू नो आप ही मुझे रिजेक्ट कर दो, यार ये सेम चीज़ बात, ये सेम बात कर रहा है, ये सेम फिलोसफी के पीछे भाग रहा है. तो आई थिंक एज एन एक्टर आपका फर्ज बनता है कि आप अलग अलग किरदार ट्राई करो, अलग अलग फिल्में ट्राई करो. ये जो जॉनर है रोम कॉम का जॉनर, मैंने अपने करियर में बहुत किए हैं, कोई अच्छी फिल्में बनाई हैं, कोई बहुत बुरी फिल्में बनाई हैं, बट मुझे डर हमेशा ये रहा है इस जॉनर का कि कहीं ना कहीं दुनिया भर में ये जॉनर मर रहा है. यू नो रोम कॉम आजकल की, जब हम लव स्टोरी सोचते हैं तो आजकल का कॉन्फ्लिक्ट क्या है? यू नो रिलेशनशिप्स हैव रियली चेंज्ड ओवर द इयर्स. शायद कह सकते हैं कि थोड़ा फ्रिवलेस हो चुका है, थोड़ा सेल्फिश हो चुका है, यू नो दोनों साइड से, ऐसे नहीं कि एक ही साइड से. तो एक नया कॉन्फ्लिक्ट लाना फॉर अ लव स्टोरी इज़ वेरी हार्ड. एंड आई थिंक जब लव ने मुझे ये फिल्म नरेट की थी, मुझे इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो मुद्दा है, वो बहुत अच्छा और नया लगा. एंड आई फेल्ट कि इट वुड हैव बीन अ गुड फिल्म, दैट्स व्हाई आई डिड दिस. ऊपर तो मेरे साथ हुआ था कि मुझे आज भी शक है कि लव सर ने रणवीर को सीन्स दिए थे पहले और मुझे नहीं दिए थे. तो और लव सर कहते थे जब उन्होंने नरेट की थी फिल्म, तो नरेशन के बाद आपको लगता है कि अभी आपको स्क्रिप्ट देंगे, वो एक हफ्ते बाद देंगे. स्क्रिप्ट कभी नहीं दी उन्होंने और सीन्स हमें जस्ट शूट के पहले मिलते थे. लेकिन ये ब्लूपर तो मेरे साथ पक्का हुआ, ये मकारी तो मेरे साथ हुई है कि सीन्स रणबीर को तो 100% पहले दिए थे. एक आप रणबीर से पूछना वो एक कौन सा सीन था जहाँ पे मतलब सब परफेक्ट, इतनी बेहतरीन एक्टिंग वो करते हैं और की है उन्होंने फिल्म में, लेकिन एक ऐसा सीन था जहाँ पे वो डायलॉग ही नहीं बोल पाए, तो मुझे बड़ा मजा आया, मैं बहुत हंसी उस वक्त. तेरे प्यार में, तेरे प्यार में दिल चाहता है बस भीगे. तेरे प्यार में, तेरे प्यार में दुआ मांगता है बस भीगे भीगे भीगे. थैंक यू वेरी मच. व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉइस. Something new, but definitely this should be my last. I think you'll also feel कि बस भाई अब तू इससे retire कर ले, कुछ और genre दिखा मेरे को. What is the तू जूती मैं मक्कार moment from the sense? From the sense? Yeah. I think love ने हमें बहुत झूठ बोला, क्योंकि उसने पहले दिन से promise किया था कि वो script देगा, उसने आज तक script नहीं दी है फिल्म की. कहानी बताता रहता, we knew the story but we didn't have anything on paper. तो वो बहुत बड़ा झूठ था. और मक्कारी भी लव ने ही की थी कि उसने बोला कि ये फिल्म मैं 100 दिन में ख़त्म कर दूंगा, उसने 180 दिन में फिल्म ख़त्म की है. तो झूठा और मक्कार दोनों है. Hi Ranbir, this is Navya. Hi Navya. Firstly, I have two questions. One as a journalist and one as a fellow fan. So the first part of the question is ki Shraddha ne bola that you're very silent and this patient person on set, pata nahi chala aap sex pe ho.
So how was Shraddha on the sets? Like, is she the chirpy kind or kaise? She's actually, it's quite strange, but she's quite a mirror image of me. You know, we share very similar creative energies. I think as actors, no, because you kind of conserve your energy for the shot. And otherwise, itne log hote set pe, aap baatcheet karte rahoge, somewhere you get tired, you know, you get distracted. Also, I'm an introvert, I'm a shy person, so I like being to myself. Main kuch mobile pe video game khelta hoon ya music sunta hoon, ya I can just stare at oblivion. But Shraddha and me are quite similar on set, you know, we don't need to chat with each other. Agar hum saath mein bhi baithe, you know, we can just look the other way and be at peace. Okay, as a fellow fan, I have to ask this to you. So, bachpan se you've been adoring Sanjay Baba. Like, we know, we know he's your favorite, you respect him so much. So, bade hote hote, meri tarah aapka bhi favorite Ranbir Kapoor hai. Yeah, does it still stand the same? Main samjha nahi. Ab bhi Sanjay Dutt is the favorite actor for you, okay, or is it Ranbir Kapoor like me? No, while growing up, of course, you know, I had, my sister had Salman Khan's poster in her cupboard, I had Sanjay Dutt's poster. So, I really admired something about him, you know, his personality while growing up. And then I got the opportunity to do his biopic and I got to know him even better. But I love him as a person. He's got a heart of gold. He's a very, very affectionate person. Very supportive. I also did a film with him, Shamshera. Unfortunately, that didn't work. But I've really had a great... Every time I've been around him, I've been very inspired and very happy to be around him. Thank you. Hi, Ranveer. Hi. I think you and Pritam Da are a match made in heaven. Yeah. So he's kind of your lucky charm, I believe. So which is your favorite, you know, track from the album? Because all the songs look amazing and it is very fresh for you. Thank you. So Pritam Da, I've been very grateful and I've been very lucky and blessed. I've done 8 films with him. Starting with Ajab Premi Gazab Kahani, Rajneeti, Barfi, Ye Jawani Hai Diwani, Aidil Hai Mushkil, Jaga Jasoos, Brahmastra and now Tu Jhooti Main Makkar. And I feel an actor eventually is always known by his songs. And you know, I'm very lucky to have a good discography and most of it coming from Pritam. In this film, you know, of course, I love the fun songs like Tere Pyar Mein and Pyar Hota Kai Baar Hai. But aaj ek gana hai called Ho Bedar Diya. I think it's a very sad song, it's a heartbreak song. But I really like it and I really love the way Arijit has sung that song. Hello, I'm Sanjay. Hi, Sanjay. My question was about your father, Rishi Kapoor. So he was the main, you know, romantic hero. And we always look up and when is Ranveer going to get that sort of performance? As a romantic, you know, sir, I'm trying to do that for 15 years. I hope this film answers your question. So you haven't got the right director who's not casting you like your father. I guess we both are different actors. My father did different roles at the time he was working. There were different kinds of films being made. But of course, you know, I have been a big fan of my father's work. I admire his filmography. But I know that, you know, baap baap hota hai. You know, I'll never be able to match him. And I'm very proud to be his son. Hi, Ranveer. Pragati here from Bayon. Hi, Pragati. Ranveer, you are known for playing coming of age characters. Bas ho gaya. I can't believe I've come of age. So, I've come of is age. This Tu Jhootiya Main Makkar character different or similar? Yeah, yeah. He's not trying to come of age. So, he's a sorted guy. Okay. The conflicts in this film are very different. Mere coming of age ke din chale gaye. You know, I'm now no more the Harry Potter. Okay. So. Thank you. Haan ji. Ma'am, actually, it's not completely true what you said. I have not been offered the Ganguly biopic. I think the makers are still writing it. So, wo mujhe offer hui nahi hai. And jab Kishore Kumar ka biopic ka bhi baat hai, we've been working on it. Actually, Basu aur main ye biopic jo Barfi film bani thi, us waqt ye biopic kar rahe the Kishore Kumar ki. But kuch permissions nahi mile from certain family members, so we could not do it. But we're still working on the script. He's a very exciting film personality to make a film. He's a legend. And unless you don't have a script which really showcases his life in the best way possible, it's not worth it. But I hope, you know, that Basu can crack it because I would love to play Kishore Kumar on screen. I think जब आप बायोपिक बनाते हो आपको सब पर फोकस रखना पड़ता है. Of course, 3 घंटे की पिक्चर है, उस समय में बताना पड़ता है. But his personal life, his madness, his genius, his work, I think Basu is really trying to put everything in. Hi, Ranveer.
Hello. This is Kushmika from Times Now. Hi, Kushmika. So I want to know, what was Alia's reaction after watching the film? She hasn't watched the film. She is in Kashmir shooting for her film. She's back on the 9th, so I guess she'll watch it after the film releases. But Alia is my cheerleader. She loves Shamshera also. So. I have one more question. Yes. What is the USP between you and Shraddha in the film? Like, if I ask you to tell me in 2-3 sentences, so what would you say? 2-3 sentences. USP, I think firstly it's a fresh pairing. You know, we've both been working for more than, I've been working for 15 years, I think she's also been working for 12 years now, and we've never been paired together. So for a rom-com, a fresh pair is always new. You know, you like, oh, chahiye, new energies are coming together. And I think the tone of the film, the comedy and the dialogues is the USP of the film. The way the film has been written, you'll really, it's a love story which you will laugh throughout and you'll cry, you know, so that's what I feel is a USP. Hi, Ravi. Hi. दो बड़े फेस्टिवल हैं, एक तो 8 मार्च को जो है कि इंटरनेशनल वुमेन डे है और दूसरा उस दिन होली भी है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरा ये है कि फिल्म इस दिन आपकी जो है, मैं भूल जाऊँ, होली अभी तो थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है ना, 7 को है 8 को है, तो जहाँ वुमेंस डे का सवाल है, आई थिंक वुमेंस डे तो रोज होता है, ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए वुमेंस डे, ऐसा कुछ मैंस डे होता है क्या? नहीं होता, कब होता है? कोई सेलिब्रेट नहीं करता, हमारी वैल्यू ही नहीं है. But Holi is a festival that we all love. हमें बहुत मजा आता है to play Holi with our friends, to celebrate. कभी कभी थोड़ा बाहर भी मार लेंगे. But तो आपका सवाल क्या था? ये है कि उस दिन होली है और लोग आपकी पिक्चर देखेंगे, होली खेलेंगे और उधर जो है कि वुमेन जो है कि वुमेन डे मनाएंगे, तो सही है ना? सुबह होली खेलो, 12 बजे से शो शुरू होंगे, फिल्म देखो, रात को अपने डेट अपने वुमेन को डिनर के लिए लेके जाओ. मैं बहुत छोटा था जब आरके स्टूडियो में होली खेली जाती थी. आई थिंक 86 में होली खेलना बंद कर दिया, बट मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि जब मैं ज़्यादा था, इतने बड़े यू नो एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते थे, सब काले और रंग भर रंग बिरंगे, और फिर जो भी आता था उनको ऐसे उठा के ऐसे टंकी में फेंक देते थे, तो बहुत मज़ा, उनको तो बहुत मज़ा आता था, लेकिन मैं 4 साल का था, लेकिन मुझे बहुत डर लगता था. यार अच्छी बात है, मैं बहुत अच्छा झूठ बोलता हूँ, मैं कभी झूठ पकड़ नहीं पाया कोई, बट अभी तक तो कोई पर्सनल लाइफ में कुछ अफेक्ट हुआ नहीं है. मैं ज़्यादातर एक बहुत ही शांत इंसान हूँ, मैं इतना बोलता नहीं हूँ, तो झूठ बोलने की नौबत नहीं आती क्योंकि मैं कुछ बोलता नहीं, मकारी ज़्यादा करता हूँ. एंड आई थिंक मैं एक ऐसे फेज में हूँ लाइफ में कि अगर मैं किसी के साथ, कोई मेरे साथ झगड़ा कर रहा है, अगर आगे मेरी पत्नी है या दोस्त है कोई भी है, मैं ही सॉरी बोल देता हूँ, जैसे मेरी गलती है, सॉरी, आगे बढ़ते लाइफ में, यू नो, व्हाट्स द पॉइंट. We'll do one last question now. I think beautiful था. I think इंडिया एक ऐसा देश है, आप कहीं भी जाओ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आपको हर 200 मीटर में एक नया कल्चर मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, नया लैंग्वेज मिलेगा, सबका दिल और सबका सबकी जो सोल है वो एक है, बट द कल्चर एंड जस्ट इट्स जस्ट ब्यूटिफुल, यू नो, सो आई हैड अ लवली टाइम. एनिमल के बारे में 80% हो चुकी है, 20% बाकी है. अभी ये फिल्म रिलीज के बाद मैं लंदन जाऊँगा. बहुत ही मुश्किल किरदार रहा है, बहुत ही शॉकिंग कैरेक्टर है मेरे लिए, मैंने ऐसा किरदार कभी निभाया नहीं है. एक क्राइम ड्रामा फिल्म है, एक फादर सन की कहानी है, एंड बहुत मज़ा आ रहा है. मतलब संदीप रेड्डीवाला जो उस फिल्म के निर्देशक हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करने में मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, इतना कुछ नया था. उनकी जो एक सोच है फिल्मों के बारे में, एक्टर्स के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, मेरे लिए बहुत नया था. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट फिल्म. 11 अगस्त को रिलीज हो रही है. कैमियो करते का सुन बोले. Well, that was the last question. Let's do the photo of now.